कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, बाजारों में क्या खरीदारी का सही समय है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो अगर बाजारों में विदेशी बाजारों की बात करी जाए तो विदेशी बाजारों में जोरदार गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। बाजारों में ग्लोबल स्थिरता का सीधा असर बाजारों में खाद्य तेल बाजारों में देखने को मिल रहा है। आज 175 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ सीबॉट में कामकाज बाजारों में देखा गया। इसी तरीके केएलसी में भी जो गिरावट हुई तो आपने देखा 3800 का एक सपोर्ट बाजार ने तोड़ा और दो दिन क्लोजिंग के बाद बाजारों में आज 102 रिंगिट की बड़ी गिरावट के साथ केएलसी में भी शुरुआत हुई है। उसका असर बाजारों में आप ये देखेंगे कि आज के बाजारों में आपको लगभग 1-2 रुपए किलो की बाजारों में गिरावट होती है बाजारों में नजर आएगी। इसी के तहत सोया ऑयल की अगर कल की बात करी जाए तो 108 रुपए बाजारों में कामकाज हुआ। पामोलिन का भाव 97 रुपए, राइस ब्रैन ऑयल का भाव 88 रुपए रहा। मस्टर्ड ऑयल की अगर बात कर लेते हैं तो 108 रुपए, सोयाबीन सीड का भाव 5450 रुपए रहा। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति की बात कर लेते हैं तो 865 रुपए फॉरवर्ड में, 865 रुपए पामोलिन, 930 रुपए बोला गया। सोया रिफाइन का भाव 1020 रुपए रहा। सोया डिगम का भाव 970 रुपए फॉरवर्ड में, 970 रुपए सनफ्लावर ऑयल का भाव 1110 रुपए रहा। कल केएलसी फ्लैट बाजारों में कामकाज रहा, कल केएलसी में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ था, लेकिन आज केएलसी में जो सुबह बाजार खुला है तो केएलसी में बाजारों में जोरदार गिरावट के साथ बाजारों में लगभग 102 रिंगिट की बड़ी गिरावट, 100 रिंगिट से नीचे एक बड़ी गिरावट बाजारों में देखी जा रही है। इसी के तहत अब जान लेते हैं बाजारों में किस तरीके से सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सोया ऑयल में किस तरीके से बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। इससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर बात करी जाए पोर्ट्स में, रिफाइनरी ट्रेड और वेज ऑयल की लिफ्टिंग इस समय बहुत ज्यादा कमजोर है। पिछले कई दिनों से सीपीओ में कांडला $1000 का पर मूवमेंट कर रहा है। बारिश से रबी फसलों को नुकसान होने से लिवाल आगे नहीं आ रहा है। रिफाइनरीज के अप्रैल में पाम की कवरिंग 30%, लगभग शॉर्ट कवरिंग बाजारों में देखा जा रहा है। अगर टीआरक्यू कोटे का बात करी जाए तो सन ऑयल में अभी भी और भी गिरावट बाकी है। ड्यूटी मिलाकर भी भारत में सन रिफाइंड की लागत 97 रुपए होती है। सॉफ्ट ऑयल में सन रिफाइंड अभी अकेला तेल है जिसकी कास्ट 100 रुपए से सस्ती बाजारों में इस समय बाजारों में हो गई है। अगर केएलसी की बात करी जाए तो केएलसी में आपने देखा कि कल बाजारों में बिना किसी नुकसान के बाजार बंद हुआ था। दिन में तेजी मंदी को पूरे दिन में बराबर कर दिया था। अगर बात करी जाए 1 से 20 मार्च के उत्पादन लगभग 24% कम होते हुए भी फाइनेंशियल फंडामेंटल में तेजी का हिसाब किताब में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ रही है। रिंगिट मजबूत जरूर रही है, यह भी तेजी एक सस्ते रास्ते में लगातार एक रुकावट बन रही है। मलेशिया 20% बायोडीजल ब्लेंड जो मिलाने की उनकी कवायद है उसको धीरे धीरे किस्तों में लागू करने की उनकी संभावना नजर आ रही है। चलिए जानेंगे आज के सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 107 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 109 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल अगर बात करी जाए तो पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 96 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 98 रुपए। इसी तरीके राइस ब्रैन का सपोर्ट का लेवल 87 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 89 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। मस्टर्ड सीड में सपोर्ट की बात करी जाए तो 5550 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5750 रुपए। सोयाबीन सीड का सपोर्ट का लेवल 5350 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5500 रुपए की रेंज में बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में आज गिरावट का रुझान बाजारों में ग्लोबल बाजारों को देखते हुए लगातार आप लोगों को बताया था, अमेरिका की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसका इंपैक्ट भी बाजारों में साफ साफ देखने को मिल रहा है। इस वजह से बाजारों में आप गिरावट और भी गहराती हुई देखेंगे। बाजारों में कहीं पर गिरावट आएगी तो गिरावट पे आप लोगों को लेवल ऑलरेडी दिए हुए, जो लोग मॉर्निंग में जुड़ते हैं और 9:30 लाइव सेशन में उन लोगों को ऑलरेडी लेवल दिए हुए। अगर आप भी उसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं और लेवल की जानकारी जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको बता देते हैं कि आपको अगर किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी जाननी है तो एबी लाइव का ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पर पेड ऐप है इसका फ्री सर्विस नहीं है, ट्रायल आप ले सकते हैं, अथेंटिकेट ऐप जिसमें रेट्स के उतार चढ़ाव की जानकारी आपको प्रॉपर मिलती रहती है। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।